भैया बड़ी चौक चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीम आरा में। तो आज हम आपको आरा के कुछ ऐसे मंदिरों के दर्शन कराएंगे जिससे हमारे आरा की भी एक अलग पहचान। दोस्तों इस मंदिर के तो दर्शन कई लोगों ने किए होंगे लेकिन इसके इतिहास को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए चलते हैं हम माता रानी के दरबार में जिनके नाम पर हमारे आरा शहर का नाम पड़ा। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं माँ अरण्य देवी के दरबार में। यह वह दरबार है जहां पर हम सभी भक्तों की अटूट विश्वास है। जी हां, आरावासी अपने आरा शहर से कहीं भी बाहर जाए लेकिन जब यहां आते हैं तो माँ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस मंदिर के पुजारी जी से कि इस मंदिर की इतिहास क्या है और इसकी गौरव कहाँ कहाँ तक फैली है। जय माता दी। तो आइए दोस्तों जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो पंडित जी आप हमें बताएं कि इस मंदिर की इतिहास क्या रही है और आप कितने समय से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं माता की सेवा में। हम माता के सेवा में 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के इतिहास हुई कि भारत में 51 शक्तिपीठ है। माता सती मैया का 51 जगह पर 51 अंग गिरा है। एक अंग आरा नगरी में भी गिरी है जिसके चलते ये माता जी का आप रूपी अवतार है धरती फार कर। इनका नाम है आदम युग से ही नाम चल रहा है आदि शक्ति माता। दूसरी जो प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है अरण्य देवी, संस्कृत शब्द है। ठीक है, आयरन मतलब जंगल होता है, जंगल की देवी अरण्य माता। और अरण्य माता का स्थापना राजा युधिष्ठिर द्वारा हुई थी जो कि यहाँ पर अज्ञात बस आरण्य वन में आए हुए थे। यहाँ पर रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम के समय छोटी माता यानी आदि शक्ति माता ने स्वप्न दी कि हे राजा युधिष्ठिर, जो यहाँ आप कार्य के लिए आए हो वो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। यहाँ पर मेरा वाहन का एक स्थापना कराओ। राजा युधिष्ठिर द्वारा आरण्य देवी माता का स्थापना हुआ। आइए हम जानते हैं माँ के दरबार में उपस्थित यहाँ के एक भक्त हैं कि क्या अनुभव रहा है उनको इस मंदिर में आने से। कितने वर्षों से आप यहाँ निरंतर आ रहे हैं और माँ के दरबार में आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ माँ के आशीर्वाद का? जब से होश संभाले, क्योंकि यहीं पर मेरा जो है कि निवास स्थान है और माँ का होश संभालने उसी समय से मैं इस मंदिर में आता हूँ। भगवान राम भी इधर से जब गुजरे थे तो भी माँ का दर्शन करके ही जो है कि नहीं यहाँ से आगे बढ़े थे। आरा जिला माता अरण्य देवी के नाम पर ही बना हुआ है। जैसा कि मंदिर के भक्तों ने बताया कि माँ के दरबार में जो भी आते हैं उनकी मुरादें पूर्ण होती है और यह मंदिर जो है आदि शक्ति पीठ भी है, इसलिए यह मंदिर बहुत ही आरा नगर की फेमस है। अच्छा, त्रिकालदर्शी महादेव का जब भी नाम आता है तो हमारे सामने भोलेनाथ की प्रतिमा नजर आती है। जी हाँ, वही जो देवों के देव हैं जिन्हें हम महादेव कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब माता रानी के बाद अब हम महादेव की दर्शन करते हैं, वही जो त्रिकालदर्शी भी हैं और भोलेनाथ भी। तो अभी हम खड़े हैं भोलेनाथ के मंदिर बुढ़वा महादेव मंदिर में। जी हाँ, यह वही बुढ़वा महादेव मंदिर है जहाँ पर सावन में भारी भीड़ होती है। सावन में भारी भीड़ तो होती है परंतु आम दिन भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो एक मेला सा प्रतीत होता है। यह वही बुढ़वा महादेव मंदिर है जिसके वजह से इस मार्ग का नाम महादेवा रोड पड़ा है। तो आइए अब हम जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या है महादेव की मंदिर की शिवलिंग की खासियत। तो आइए पुजारी जी से हम जानते हैं कि इस मंदिर की क्या इतिहास रही है
और क्या कारण है कि इस मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो पुजारी जी आप हमें बताएं कि क्या है इस मंदिर की खासियत, क्या है विस्तार? मंदिर का खासियत है कि बहुत ही पुराने जमाने का मंदिर और शिवलिंग जो है सुरापूर्ति है। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ श्रद्धालु आते और जाते रहते हैं और बराबर खुला रहती है। पुजारी जी आप हमें यह बताएं कि इस मंदिर को बुढ़वा महादेव मंदिर भी कहा जाता है, क्या कारण है कि इस मंदिर को बुढ़वा महादेव मंदिर कहा जाता है? यह बहुत जमाने का बुढ़वा महादेव जी का मंदिर है, इसलिए कहा जाता है। यहाँ बराबर हर शिवरात्रि को पूजा अर्चना होती है और भंडारा भी होता है। दोस्तों जब बात महादेव की आती है तो हमारे मन में सतयुग में श्री राम भक्त के रूप में लिए महादेव के अवतार मारुति नंदन का स्मरण आता है। वही मारुति नंदन जिन्हें हम बजरंग बली और हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं, ये वही नाम है जिन्हें लेने से हम क्या छोटे बच्चों में भी बल आ जाती है। तो आइए चलते हैं हम इनके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम मौजूद है आरा रमना मैदान स्थित महावीर मंदिर। यह वही महावीर मंदिर जो आरा के बीचों बीच बसा हुआ है। इस मंदिर की इतिहास जो है काफ़ी गौरवान्वित है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर की खासियत क्या है। तो आइए हम जानते हैं पुजारी जी से इस मंदिर की जो खासियत है, आरा नगर को एक अलग पहचान दिलाती है, क्या इस मंदिर की खासियत और क्या इसके पीछे की राज, जानते हैं पुजारी। ये मंजिल आज़ादी के पहले का 1975 में स्थापना हुआ था और जिसका उद्घाटन भगत सिंह ने किया था। उस समय से लेकर आज तक मंदिर का विकास होते चला रहा है। इस मंदिर के पहले पुजारी थे हमारे पिताजी श्री रेश बाबा। उनके रिजंग काल में हिंदुस्तान के ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के भी एक से एक विद्वान आए, संत आए, महात्मा आए और उन्होंने इस मंदिर पर आकर के और अपने विचार को रखा और सबका आशीर्वाद मिला और महावीर जी की विशेष कृपा रहा, जिसके कारण मंदिर के बगल में 1975 में भगवान आशुतोष नाथ का मंदिर बना। उसके बाद जानकी परिवार की स्थापना हुई। उसके बगल में आप देख सकते हैं मानस मंदिर बना और उनके ही कर कमलों द्वारा महावीर मंदिर के पीछे नौ दुर्गा मंदिर का स्थापना हुआ, शनि भगवान की स्थापना हुई और मंदिर के ऊपर यश महाविद्या की स्थापना हुआ। इसी के साथ उनकी इच्छा थी कि इस शहर में कहीं भी महात्माओं को रहने का स्थान नहीं है, इसलिए इस मंदिर के ऊपर संत निवास भी बना। इस प्रकार से मंदिर में, मंदिर का मतलब होता है वह स्थल जहाँ संस्कार और राष्ट्र निर्माण की शिक्षा की जाए, वह मंदिर है। तो हमारे साथ एक मंदिर की श्रद्धालु जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर में आने से उन्हें कैसा अनुभव होता है। तो आप हमें बताएं कि आप मंदिर में आती हैं, क्या आपको महसूस होता है? आते हैं तो बहुत मन खुश हो जाता है, बहुत देख के अच्छा लगता है, सुंदर माँ लगती है, सब देवता लोग अच्छा लगता है, सब मन खुश हो जाता है। जैसा कि हमने सुना कि यह मंदिर एक वीर कुंवर सिंह काल से चला आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की एक और खासियत है कि जिस तरह से आए दिन यहाँ श्रद्धालु तो आते ही हैं, परंतु मंगलवार और शनिवार को यहाँ एक मेला सा प्रतीत होता है। वैसे तो हर किसी की आस्था अपने अपने भगवान से जुड़ी होती है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं जैन धर्म के महान तीर्थंकर श्री चंद प्रभु दिगंबर जैन जी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की धरोहर, बिहार की इतिहास हमारे जैन समाज से बहुत ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे बिहार के इतिहास और बिहार का गौरव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारा बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, इन दोनों की अहम भूमिका है।
इस अहम भूमिका में हमारी बौद्ध गया की बौद्धि वृक्ष हो या जैन धर्म के अनुयायी हों, इन सभी की भूमिका बहुत ही इतिहास को गौरवपूर्ण बनाती है। तो आइए आरा नगर के गोद में बसे इस जैन मंदिर के बारे में और भी कई जानकारियां हम आपसे साझा करते हैं। अभी यहाँ पर मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुगण हैं, आइए हम जानते हैं इन श्रद्धालु से कि क्या है इस मंदिर की खासियत। आप उन्हें बताएं कि इस मंदिर की स्थिति है, मंदिर का विवरण बताएं ताकि श्रद्धालु कहाँ। ये मंदिर हम सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है। इस मंदिर के लिए क्या कहे, ये मंदिर विशेष, इसका जो अतिशय है वो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु भी महसूस कर सकते हैं। वो मतलब इसको व्याख्या करना इसकी बहुत ही मुश्किल है, पर यहाँ आपके मन को विशेष शांति का अनुभव होता है। माँ ज्वालामाली के दर्शन करके विशेष सुख की अनुभूति होती है और बिन कहे सब कष्टों का निवारण होता है। भाई इनसे भी हम जरा जानते हैं कि इनके क्या विचार है, इनकी क्या आस्था है। इस मंदिर में हम तो हमको बहुत ही शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। सचमुच में हमारा आरा जिला किसी चीज में कम नहीं है, भक्ति कला कौशल या कोई भी क्षेत्र हो। वैसे तो और भी कई जगह हैं जिसको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तो भैया कितना भाई? रोकी 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 500 भैया। 500 रुपया? हाँ भैया। मैं लुटिए ला, हमें एगो भोरे भोरे भेटनी है लुटे खाते। चारों तरफ भैया घूमेला में यही नुबा भैया। चला ठीक बा।